हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे HTTP के बारे में। ओके, पिछले वाले वीडियो में हम देखे थे FTP के बारे में, जो कि हम डिस्कशन कर लिए हैं अच्छे से, और आज के वीडियो में हम देखेंगे HTTP के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। HTTP का फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगा, जब हम बहुत बार भी देखे थे आगे भी, और आप डेली बेसिस के में यूज करते हो जब इंटरनेट को यूज करते हो। ओके, HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन पे भी बहुत बार आता है एग्जाम पे। ओके, इट एक्ट्स एज ए रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स प्रोटोकॉल। ये भी आता है, रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स प्रोटोकॉल कौन होता है, ऐसा ही पूछता है। हु इज़ द रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स प्रोटोकॉल, HTTP आंसर होगा इसका। ओके, इट एक्ट्स एज एन रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स प्रोटोकॉल एंड इज मेनली टू एक्सेस डेटा फ्रॉम द वर्ल्ड वाइड वेब। ओके, समझते हैं चलिए। HTTP एक हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ये वाला प्रोटोकॉल का काम क्या होता है, ये रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स प्रोटोकॉल है। जब हम कुछ मतलब गूगल और दूसरे भी सारे जो सर्च इंजन होते हैं ना, जो हम सर्च करते हैं, तो हम एक रिक्वेस्ट भेजते हैं उनको कि हमको ये वाला चीज़ चाहिए, हमको ये चाहिए। व्हाट इज़ HTTP, एक आप गूगल करोगे तो जो आपको रिटर्न में मिलेगा, इसलिए आपको बोल रहे, आप कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हो, आपको कुछ रिटर्न में मिल रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स प्रोटोकॉल। रिक्वेस्ट को जो रेस्पॉन्स करता है उसी को बोलते हैं रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स प्रोटोकॉल एंड यूज मेनली टू एक्सेस डेटा फ्रॉम द वर्ल्ड वाइड वेब। WWW वर्ल्ड वाइड वेब, ये भी शॉर्ट नोट आता है, शॉर्ट क्वेश्चन आता है। काफ़ी सारे शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं नेटवर्किंग चैप्टर से। ओके, बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन है और शॉर्ट नोट है। आपको थोड़ा सा ये वाला चैप्टर थियोरेटिकली लगेगा, मतलब बहुत हार्ड लगेगा, पर आप जब प्रैक्टिस करोगे, बार बार पढ़ोगे, तो आपको कुछ भी मतलब हार्ड नहीं लगेगा, सारी चीज़ ईजी हो जाएगा। ओके, वर्ल्ड वाइड वेब से जो हम रिक्वेस्ट करते हैं HTTP को, अगर और जो रेस्पॉन्स करके देता है, कुछ आंसर हमको देता है, इसलिए इसको बोलते हैं रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स प्रोटोकॉल। इट इज़ ए सर्वर क्लाइंट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। सर्वर क्लाइंट कम्युनिकेशन, ये सी हो। ओके, रुको रुको, थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं। इट इज़ ए सर्वर क्लाइंट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। ये क्या है, ये एक सर्वर क्लाइंट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। जो सर्वर मतलब जो डेटाबेस होता है, हम गूगल का जो डेटाबेस होता है, उधर ही को सर्वर बोलते हैं। और सर्वर क्लाइंट मतलब क्लाइंट जो हम हैं, हम जो यूज करते हैं HTTP को, हमको इसलिए क्लाइंट बोलते हैं। इट इज़ ए सर्वर क्लाइंट कम्युनिकेशन। सर्वर और क्लाइंट के बीच में जो कम्युनिकेट करता है, ये गूगल का डेटाबेस है, इधर सारे की सारी जानकारी है, और हम इधर से गूगल को सर्वर कर रहे हैं, मतलब सर्चिंग कर रहे हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं सर्वर क्लाइंट कम्युनिकेशन। सर्वर और क्लाइंट के बीच में जो कम्युनिकेट करता है, उसको बोलते हैं सर्वर क्लाइंट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। व्हिच इज़, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, काफ़ी सारे शॉर्ट क्वेश्चन है, आपको सब कुछ चीज़ें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा एग्जाम में, शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट नोट और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। ओके, व्हिच इज़ प्राइमरीली यूज सेट अप रूल्स फॉर फॉर्मेटिंग एंड ट्रांसफरिंग वेब पेज डाटा। ओके, तो देखते हैं। इट इज़ ए सर्वर क्लाइंट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल तो समझ लिए। व्हिच इज़ प्राइमरीली यूज, इट इज़ ये मेनली यूज होता है सेट अप रूल्स फॉर फॉर्मेटिंग एंड ट्रांसफरिंग। फॉर्मेटिंग एंड ट्रांसफरिंग क्या फॉर्मेट और ट्रांसफर करता है, वेब पेज डेटा। वेब पेज में जो डेटा है उसको ये फॉर्मेट और ट्रांसफर करता है यूज़र के लिए। ओके, तो ये डेटा में क्या क्या आता है, टेक्स्ट आता है, इमेज आता है, वीडियो, मल्टीमीडिया फाइल्स एक्सेट्रा ओवर द WWW वर्ल्ड वाइड वेब। ओके, HTTP को हम जब कुछ मतलब HTTP के साथ कुछ सर्च करते हैं, तो हमको क्या रिटर्न में मिलता है, अगर हम एक गूगल मारे, गूगल व्हाट इज़ कार, तो हम जब कार मारेंगे तो कार का मीनिंग आ सकता है, गाड़ी आ सकता है कार का मीनिंग, और इमेज में कुछ गाड़ियाँ के फ़ोटो आ सकता है, गाड़ी की फ़ोटो, और वीडियो भी कुछ आ सकता है गाड़ी के, कार के, तो मल्टीमीडिया फाइल्स, ऐसा ही कुछ सारा चीज़ आएगा, इसीलिए ये सारा चीज़ रिट्राइव होकर आपके पास आएगा HTTP के सहायता से। ओके, HTTP गूगल से मतलब पूरे के पूरे होल इंटरनेट से ये सारी चीज़ आपको ला के देगा। इट इज़ यूज एज कम्युनिकेशन बिटवीन वेब सर्वर एंड वेब यूज़र। वेब सर्वर क्या है और वेब यूज़र क्या है, ये दो चीज़ इधर समझने वाली बात है। इट इज़ यूज एज कम्युनिकेशन बिटवीन, कम्युनिकेशन मतलब जो कम्युनिकेट करता है, दोनों लोग हैं,
तो उनके बीच में जो भी बातें होगी इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बिटवीन वेब सर्वर एंड वेब यूजर। वेब सर्वर मतलब हम गूगल को कुछ सर्च मार रहे हैं, गूगल में सर्च करें तो जिधर से वो डेटा आएगा उसको बोलते हैं वेब सर्वर। गूगल में कहीं तो भी एक डेटा सर्वर होगा ना, जिधर डेटा सारे के सारे सेव होके रहेगा। और वेब यूजर मतलब हम जो यूज कर रहे हैं गूगल क्रोम को या गूगल को या मोजिला फायरफॉक्स, जो यूजर है हम जो यूज कर रहे हैं वो हम यूजर हैं, और हमारे बीच और गूगल सर्वर के बीच कम्युनिकेशन करने के लिए HTTP यूज होता है। ओके, HTTP एंड HTTPS बोथ आर स्टेटलेस प्रोटोकॉल। स्टेटलेस मतलब क्या है? HTTP एंड HTTPS बोथ आर स्टेटलेस प्रोटोकॉल बिकॉज इस रिक्वेस्ट इज एग्जीक्यूटेड इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी नॉलेज ऑफ द रिक्वेस्ट दैट वेयर एग्जीक्यूटेड बिफोर इट। इसका मतलब क्या है? हम रुको, पूरे के पूरे पढ़ लेते हैं फिर इसका मतलब समझेंगे। ओके, दैट मीन्स वंस द ट्रांसमिशन एंड्स द कनेक्शन बिटवीन द ब्राउजर एंड सर्वर इज ऑल्सो लॉस्ट। इसका मतलब क्या है? HTTP एंड HTTPS, कभी कभी आप देखे होंगे कि HTTP सिर्फ लिखा हुआ आता है इंटरनेट पे और HTTPS लिखा हुआ आता है। S मतलब क्या है? ये सिक्योर है, HTTPS हमेशा सिक्योर है। अगर जब आप देखोगे HTTP सिर्फ लिखा हुआ आएगा तो आप समझ लेना कि ये वेबसाइट थोड़ा सा हार्मफुल होता है। कभी कभी आप देखते हो ना, जब मोबाइल पे देखते हो कि ये वेबसाइट हार्मफुल योर डिवाइस, ओके, कुछ भी वायरस भी आ सकता है, इसीलिए HTTPS हमेशा यूज करना। तो जिधर भी HTTPS है उसी साइट को हमेशा विजिट करना, HTTP होगा तो विजिट मत करना क्योंकि ये हार्मफुल हो सकता है, वायरस इधर हो सकता है, आ सकता है। ओके, HTTP एंड HTTPS बोथ आर स्टेटलेस प्रोटोकॉल। स्टेटलेस प्रोटोकॉल क्यों होता है? क्योंकि ईच रिक्वेस्ट इज एग्जीक्यूटेड इंडिपेंडेंटली। आप अगर कुछ भी सर्च करोगे इन HTTP और HTTPS के सहायता से या HTTP के सहायता से, तो ये सारे के सारे इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। ओके, विदाउट एनी नॉलेज ऑफ द रिक्वेस्ट दैट वेयर एग्जीक्यूटेड बिफोर इट। कुछ भी आप सर्च करो, आप अगर उसके पहले कुछ भी और दूसरा कुछ सर्च चीज़ें सर्च करे हो, तो अगर आप उसके उसको एग्जिट ना के बिना डायरेक्ट सर्च बार में जाके आप जब सर्च करते हो, आपको याद होगा डायरेक्ट सर्च बार में जाके ऊपर ही सर्च करते होगे, तो ये जब आप कुछ भी सर्च करोगे उसी को सिर्फ ढूंढने लगेगा HTTP। इंटरनेट के जो दुनिया है ना, इंटरनेट में जो सारे के सारे सर्वर है उसी चीज़ को ढूंढने के लिए चल जाएगा। ओके, HTTP, और आपको जो भी डेटा मिलेगा आपको रिट्रीव होकर देगा। दैट मीन्स वंस द ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन मतलब क्या है? जब एक आप रिक्वेस्ट करते हो, कुछ चीज़ सर्च करते हो और HTTP देता है, ये सारी चीज़ को एक ट्रांजैक्शन बोलते हैं। ट्रांजैक्शन एंड द कनेक्शन बिटवीन द ब्राउजर एंड सर्वर इज ऑल्सो लॉस्ट, इसीलिए इसको स्टेटलेस प्रोटोकॉल बोला गया है, स्टेटलेस प्रोटोकॉल। ओके, कनेक्शन स्टेटलेस मतलब एक स्टेटमेंट होता है और उसको वो स्टेटलेस ना होने का प्रोटोकॉल इसको बोला जाता है। मतलब मीनिंग आपको मैं समझा रहा हूँ स्टेटलेस प्रोटोकॉल का क्या है। जब आप कुछ सर्च करोगे ब्राउजर से, ब्राउजर से आप सर्च करोगे और डेटा सर्वर तक ये कनेक्ट होगा। अगर आप इधर रुको थोड़ा समझाते हैं, अगर आप इधर एक चीज़ व्हाट इज कार सर्च करोगे, तो ये आप सर्च मार रहे हो गूगल से, क्रोम से, और इधर एक ब्राउजर का एक मतलब डाटा सर्वर होगा, ये आपके बीच कनेक्शन करेगा कि व्हाट इज कार, ये ढूंढने लगेगा और ब्राउजर से ये कार के पिक्चर आके देगा, कार के वीडियो फोटोज, कार के बारे में कुछ चीज़ें जानकारी डिस्क्रिप्शन देगा। अब अगर और ये सारी चीज़ आपके पास पहुंच गया, ओके, आप रीड कर लिया, आप देख लिया, आपकी जानकारी मिल गया, जब आप एग्जिट मारोगे इधर से थोड़ा ये वाला चीज़ से आप बैक करोगे और ये वाला चीज़ को हटाओगे, तो इसके जो कनेक्शन है ये सारे कनेक्शन कट जाएंगे। ओके, ये सारे कनेक्शन एग्जिट हो जाएंगे मतलब टर्मिनेट हो जाएंगे, इसीलिए इसको बोलते हैं स्टेटलेस प्रोटोकॉल। और आप अगर उस चीज़ को फिर से देखना चाहोगे, ये कार वाली पिक्चर या को, आपको फिर से एक सर्च मारना पड़ेगा, इसलिए इसको बोलते हैं स्टेटलेस प्रोटोकॉल। इसलिए कनेक्शन जब आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा, आप सारी चीज़ देख लोगे, आप एंडिंग कर लोगे, बैक कर लोगे, तो आपका कनेक्शन लॉस्ट हो जाएगा सर्वर के साथ, ब्राउजर और सर्वर के साथ जो कनेक्शन था वो लॉस्ट हो जाएगा, मतलब एग्जिट टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, ये हो गया शॉर्ट नोट HTTP के बारे में। अगर 3 मार्क या 4 मार्क आएगा तो आपको सारे के सारे लिखना पड़ेगा, और 1 मार्क में भी कभी कभी आता है, तो आप ये सारे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल लिख लेना और ये क्या काम करता है। ये वर्ल्ड वाइड वेब से आपको सारे के सारे चीज़ें डाटा को एक्सेस करके, रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स प्रोटोकॉल है इसीलिए आपको सारे के सारे चीज़ें को डाटा को एक्सेस करके आपके पास पहुंचाता है। इसे 2 लाइन से लिखना, 1 मार्क आएगा, तो मेरे को जितना पता है ये 2 मार्क या 3 मार्क में आता है। ओके,
और आगे हम और भी प्रोटोकॉल के बारे में देखेंगे। ये वीडियो बहुत ही लंबा हो गया, चलेगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू।